राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बताएं, सभी सचिवों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। सचिवों की विधानसभा वाइज ड्यूटी लगाई गई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने मंजूरी दे दी है। तो 200 विधानसभाओं में विधानसभा वाइज ये ड्यूटी लगाई गई है। सभी सचिवों की जिम्मेदारियां सौंप दी गई है। आपको वो सूची भी दिखाएंगे। तो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने, आप सूची अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारे साथ सहयोगी दिनेश डांगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दिनेश, 200 विधानसभा में सचिवों को बड़ी जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। जी देखिए, प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश महासचिवों के बाद अब जो प्रदेश सचिव है उनको भी प्रभारी लगाया गया है। और राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं, तो इन सचिवों को विधानसभा वाइज जिम्मेदारी यहाँ पर गोविंद सिंह डोटासरा ने दी है। इन विधानसभा में जो भी सरकार और पार्टी से जुड़ी जो गतिविधियां होगी उसको ये कोऑर्डिनेट करेंगे और उपाध्यक्ष महासचिव और प्रदेश अध्यक्ष से करेंगे बात। हम अजमेर जिले की करें, किशनगढ़ जो विधानसभा सीट है वहाँ पर छोटू राम मीणा है, उनको इंचार्ज सेक्रेटरी इंचार्ज यहाँ पर लगाया गया है। तो ज्यादा जिम्मेदारी कह सकते हैं कि रिसर्व इनके पास नहीं रहेगी, क्योंकि टिकटों का काम वगैरह जो चीजें ये सिर्फ जो संगठन की गतिविधियां है या पार्टी की जो गतिविधियां है एआईसीसी जो भी दिशा निर्देश जारी करेगी, जैसे केंद्र सरकार के खिलाफ काम करना हो इस तरह का जो काम है इनके जिम्मे पर इनके जिम्मे है वो रहेगा। तो इस वक्त की खबर, वो सचिव बनाए गए थे हाल ही में नियुक्त किए गए, उनको भी अब उपाध्यक्ष और प्रदेश महासचिव की तरह विधानसभा वाइज प्रभारी लगा दिया गया। दिनेश, जो अधिकतर सूची में अगर देखें तो दो दो विधानसभाएं प्रत्येक सचिव को दी गई हैं, लगभग सभी को दो दो विधानसभाएं सौंपी गई हैं। ये बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि राजस्थान में राजस्थान में 200 विधानसभा सीट है, ऐसे में सचिव पूरे 200 नहीं थे। तो जाहिर सी बात है, किसी सचिव को एक विधानसभा, किसी को दो या किसी को तीन विधानसभा सीटों का प्रभारी बनाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश। तो सभी सचिवों को ये जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, विधानसभा वाइज ड्यूटी लगाई गई है। सूची आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो विधानसभा चुनाव से पहले लगातार ये नियुक्तियां की जा रही हैं और अब ये ड्यूटीज विधानसभा प्रभारी लगाए गए हैं। जिम्मेदारी गोविंद सिंह डोटासरा पीसी चीव ने सौंप दी है। सचिवों को ये जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। और अगर बात करें अजमेर की, किशनगढ़, पुष्कर, तो छोटू राम मीणा को सौंपा गया है। नसीराबाद, अजमेर नॉर्थ, केकड़ी, ब्यावर, मसूदा, अजमेर साउथ, अगर एक एक करके नाम बताए तो नसीराबाद में मोहित सोनी, अजमेर नॉर्थ मुकुल गोयल, केकड़ी राजेंद्र परसवाल, ब्यावर राजेंद्र परसवाल, मसूदा और अजमेर साउथ रूबी खान, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ सुमित गर्ग, अलवर रूरल हिमांशु कटारा, अलवर अर्बन हिमांशु कटारा, तो कठुमर देशराज पहाड़िया, रामगढ़ देशराज पहाड़िया, किशनगढ़ में बस वीरेंद्र सिंह महला, तिजारा वीरेंद्र सिंह महला, बहरोड़ अर्चना सुराना, मुंडावर अर्चना सुराना और थानागाजी गरिमा राजपुरोहित, बांसूर गरिमा राजपुरोहित। अलवर क्षेत्र की जो विधानसभाएं हैं उसमें जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इन सभी के आपको नाम बताए तो पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सचिवों को जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। विधानसभा वाइज ये जिम्मेदारियां दी गई हैं और ये जिम्मेदारियां पीसीसी सचिव गोविंद सिंह डोटासरा ने सौंप दी है। सूची भी आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, अजमेर की, इसके बाद अजमेर, बांसवाड़ा, बारा, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चुरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर। 200 विधानसभा सभी सचिवों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं।
कि लिस्ट आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पीसीसी ने सचिवों को जिम्मेदारियां सौंप दी है, विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जारी है।